प्लीज हवा आया दी सीरियस शेल्स का कर्टन। मैंने कल एक पुरानी पिक्चर देख रही थी, उसमें एक हीरोइन छुप छुप के ऐसे बातें सुन रही थी एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड इसमें से कैसे छुप सकते हैं। लाइक नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट। गॉड व्हाट डू दे डू इन दीस पुरानी फिल्म्स। लॉकडाउन चालू और करने का कुछ है नहीं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। माय डियर लवलीज करो मेरी ब्यूटी का बगान। अब बैठे बैठे खाते मत रहना नहीं तो हो जाएगी मोची। यू नो व्हाट आई मीन। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज खाओ भी लेकिन वर्कआउट भी करें। ओके तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी बनाना फ्राइड वही दड़ा। दही वड़ा। व्हाट? दही वड़ा। दैट्स व्हाट आई सेड, वही दड़ा। एंड बाय द वे व्हाई आर यू सिटिंग इन द किचन? तुम्हें हेल्प चाहिए थी इसलिए आ गया। तो बेसिकली आपको वही दड़ा बनाने के लिए दही वड़ा। व्हाट? दही वड़ा। ओके ठीक है ठीक है, तुम किचन की सफाई करो, मैं जरा दही वड़ा रहमान के गाने चला के आती हूँ। वहीदा रहमान। God, whatever, finding faults with everything that I do. Alright, आज फिर जीने की तमोना है। बसात। ये उड़द दाल है जिसको मैंने भिगो के रखा है ओवरनाइट और अब हम इसको धोएंगे। बेसिकली मैं जिसकी रेसिपी देख रही थी यूट्यूब पे वो कह रही थी इस दाल को बहुत अच्छे से धोएं नहीं तो पद आते हैं, उसके बाद इसको ओवरनाइट सोक करें। बट आई वॉन्ट टू स्टे ओरिजिनल, मैंने पहले इसको सोक किया और मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ, धुलवा रही हूँ। और मैंने सोक करके रखी है मूंग दाल। मूंग दाल या दाल वन। ये दोनों को अच्छे से धो लिया। अब आप पूछेंगे ये कितना और ये कितना है। सो गूगल पे किसी की अच्छी सी रेसिपी देख लो और फिर आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितने प्रोपोर्शन। मैं थोड़ा भूल गई, हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक एंड मिर्ची एंड दिस धनिया। ओ गॉड लुक एट दिस, लॉकडाउन की वजह से ये धनिया मिला कितना झाटू सा है। सी व्हाट इज इट अ बैड वर्ड? ओह प्लीज कट इट। देखो ये ओवरनाइट सोक किया था तो कैसे सॉफ्ट हो गया, हाथ से ही टूट जाता है। इसमें बिना पानी ऐड किए इसको पीस लें एंड ऑल्सो इसको धनिया मिर्ची एंड देन दोनों दालों को डाल के मिस्की में अच्छे से पीस लेंगे। कम ऑन टिंकू। ओ गॉड ये तो छिड़िया टिंकू से। हेलो कम ऑन आई कांट डू इट अलोन। हेलो ओ गॉड लोगों को अगर इतना छिड़ना होता तो पेट नेम क्यों रखते हैं। मैंने भी बोल दिया नहीं आना तो मत आ, आया बड़ा देखना भी आ जाएगा जस्ट लाइक दैट। सी ओके लेट्स स्टार्ट पीसिंग। इस वाले में पीस नहीं रहा तो अब हम इसमें ट्राई कर रहे हैं। ओ गॉड इसमें भी नहीं पीस रहा, चलो हम इसमें ट्राई करते हैं। ट्राई दिस। ओ गॉड ऐसे कैसे चलेगा, इसमें भी नहीं पीस रहा उसमें भी नहीं पीस रहा इसमें। ओ गॉड इधर आई नो गए किस पीस किस। You know, मुझे इतना एटीट्यूड दे रहा था, अब से आना तो आ नहीं आना तो मत था। आप आ गया। That's बारिश का ज्यादा। Listen, यहाँ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ना एक हाथ से शूट करना। Come on ना प्लीज हेल्प मी। मैं नहीं आ रहा। Come on, मैं तुम्हारे पढ़ती हूँ। क्या पाँव पढ़ती हूँ? कहाँ? यहाँ। दिख तो नहीं रहा। Okay, here. Please come now. चलो ये मिक्सचर अच्छे से बन गया, अब इसको अच्छे से फेंटें। कम ऑन फुल स्पीड। कि जब तक ये हिला रहे हैं मैं आपको पेस्ट को फेंट रहे हैं, मैं आपको सिखाती हूँ इमली और खजूर की चटनी बनाना। ओके सो दिस इज रियली यम्मी, इसमें इमली पड़ता है और खजूर पड़ता है। लेट्स स्टार्ट विद इट। इमली और खजूर की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए जीपी यानी गुड़ पाउडर, खजूर, ड्राई जिंजर, दिस इज के एन काला नमक एंड दिस इज आई के पी इमली का पेस्ट। एंड ये बीच मैंने ऐसे ही रखा है डेकोरेशन के लिए क्योंकि अच्छा लग रहा था। एंड वी ऑल्सो नीड सम मोर मसालास यू नो द रेगुलर्स। फ्राइड राइस में डालें इमली का पेस्ट, एड गुड़ पाउडर, ड्राई जिंजर एंड ऑल्सो खजूर्स और एड कर दें पानी। यू नो बहुत सारे लोग इमली और खजूर को पेस्ट बना लेते हैं एक साथ, लेकिन मैं खजूर को पेस्ट नहीं बना रही बट आई मैश इट क्योंकि मेरे को ना थोड़े मोटे मोटे पसंद है। गॉड इसके पीसेस पसंद है यू गाइस ना। सो इसमें डाल लें नमक एंड ऑल्सो लाल मिर्च पाउडर, मैं तो इसमें धनिया भी डाल रही हूँ। ऑल्सो पुट हींग। गॉड अब क्या रह गया। ओ या दिस वन, नहीं तो मेरी जान खाओगे, काला नमक तो डाला नहीं, ये भी डाल दो। अब जिन कचौरियों में मसाले दिखाए थे ताकि आप अमीर लगे आप उसको धो के वापस संभाल के रखते हैं। अब इस फिटे हुए पेस्ट को आप पानी में ड्रॉप करके देखें, अगर ये फ्लोट करता है तो दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। लेट्स सी। Yeah, it is floating. Yay! It's ready to fry.
ओके, लास्ट टाइम जब मैं कूसे बना रही थी, जिसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसने बहुत तेल पी लिया था। तो मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस किया कि डार्लिंग, अगर इसमें आप नमक नहीं डालो ना तो ये तेल नहीं पिएगा। तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई डिलीटेड दैट बिचेस नंबर एंड ब्लॉक्ड हर फ्रॉम इंस्टा, फेसबुक एंड स्नैपचैट। शी शुडंट एडवाइस मी लाइक दैट। ओके, तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है। एक मैंने किसी का ब्लॉग पढ़ा था, उसकी मम्मी की टिप है कि इसको ड्रॉप, पेस्ट को ड्रॉप करने के लिए चम्मच को पानी में रखें। ओके, पानी में रखना और उससे लेके पेस्ट, वेट लेट मी शो यू, दिखाती हूँ। पानी में से चम्मच निकाला एंड टेक दिस एंड ड्रॉप, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो, छीटे आएंगे। ऑलराइट, फर्स्ट लॉट निकल चुका है, अब हमें सेकंड लॉट डाल रहे हैं। लिसन, ये बहुत छोटा छोटा है रोहित, तभी अच्छे से कुक होगा ये। अरे बट इस दही वड़ा, नॉट दही छोटा। वड़े अभी गर्म है, अब हम इसको सोक करेंगे पानी में। पानी में डालेंगे थोड़ा सा हींग एंड देन आल्सो सम नमक, क्योंकि ये काफी सारे हैं, बाकी को तो आप ऐसे ही फ्रिज में डाल सकते हैं एक डब्बे में डाल के। इनको हम सोक कर लेंगे। ओह गॉड, गरम। इनको इसे पड़े रहने दे फॉर 18 to 20 minutes। दही को मधानी से मत लें एंड देन यू कैन ऐड शुगर, अगर आपको अच्छी नहीं अच्छी लगती है, नहीं लगती तो मत भी डालें। ये हमने बड़े बना लिए लेकिन फिर भी पेस्ट बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं बना देती हूँ अमृतसरी वड़े। ओह गॉड, आई एम सो सुशील। हाय सुशील। ओके, सो अमृतसरी वड़ी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। किसी भी आलू की सब्जी में डल सकता है, वो तोरी की सब्जी में डल सकता है, सम पीपल कुक इट विद घिया आल्सो, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। फिलहाल हमारे पेस्ट में नमक नहीं है एंड मसालास नहीं है, सो वी आर गोइंग टू स्पाइस इट अप। बैटर को स्पाइस इट अप करने के लिए मैं डालूंगी इसमें 1 AM काली मिर्च, ALM दैट इज अखा लाल मिर्च एंड जीरा। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। अब इसको बिस्की में डाल के ग्राइंड कर दें। इसको हम मोटा मोटा पीसेंगे। अब इसको इस पेस्ट में डाल दें। इट्स गोइंग टू बी प्रीटी स्पाइसी, बट सब्जियों में बहुत कम डलती है वड़ी, so it is fine. I'm also going to add a little bit of namak, not too much. अब अच्छे से हिलाएं इसको। एक प्लास्टिक शीट पे या फिर किसी थाली पे आप इसके से छोटे छोटे ढेरियों बनाएं। All set. अब जाके इसको धूप में रखें, ऊपर से कपड़ा डाल दें ताकि इसके ऊपर कोई कौवा वौवा ना बैठे और साथ में इस पे कोई धूल वूल ना आए। इसको सन ड्राई करें और जब ये ऊपर से हार्ड हो जाए तो फिर इसको पलट दें। सन ड्राइड। Oh God, help, 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 help. Yeah. Please, इसको धूप में रख दो। तुम रख दो। नहीं, धूप में निकलाना को रुक की रंग और रंग काला पड़ जाए। Please. Thank you. I said thank you, not tea. दही बड़े आप हाथ में ले और अच्छे से स्क्वीज करें, बट बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो इसका भरता बन जाएगा। और एक बोल में निकाल लें। ऊपर से डालें दही। अब डालें इमली की चटनी, काला नमक, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डालें बीजे। ओह गॉड, भुना जीरा। गॉर्जियस। रोहित कैसा है? रियली, खुद खा के देखते हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज रियली नाइस। ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट वही दड़ा आई हैव हैड। दही वड़ा। ओके, सेम थिंग, बट इट्स रियली यम्मी। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, बिकॉज़ दिस इज जीनियस। ओके, आई जस्ट लव मी, दिस इज फैंटास्टिक। ट्राई इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड सो बाय बाय, सी यू, किलिच मी।